अगर हम दिन में उठते ही अपने आप को कुछ अच्छा बोले ना, तो दिन सच में बहुत अच्छा जाता है। सिवाय अपना गैजेट यूज़ करने के लिए, क्या हम अपना दिन एक अच्छे वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ आज के लिए? सो गाइस, मेरे कीको में भी रेस्टोरेंट है, बट मैं स्पेशली लेक शोर जा रही हूँ, क्योंकि लेक शोर से जो व्यू है सिटी पैलेस का, आज आप लोगों को वो दिखाना है। कीको अच्छी जगह है रुकने के लिए। उदयपुर में सिर्फ एक ऐसी ही जगह है कीको जहाँ पे पार्किंग है अंदर। माँ को कल बताया नहीं इस चीज़ के बारे में। मेरे हार्डली कीको से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में आपको वो दिख जाएगा, लेक शोर। सो बिल्कुल स्ट्रेट है वॉकिंग डिस्टेंस, बिल्कुल सामने की तरफ, आपको इधर उधर मुड़ना नहीं है। मैं हूँ जयपुर की गलियों में फ़िलहाल। अभी हो रहे हैं 10 बज रहे हैं, आई मीन टाइम हो रहा है 10। मैं निकलूँगी करेक्ट 11 बजे। 12 घंटे का रास्ता है जयपुर से घर का। अब जो दुकानें तक नहीं खुली हैं, ये मेरे सामने बेड है, ये भी सारे बेड हैं, मतलब ये लग्जरियस फैमिली प्रॉपर्टी है। इसका व्यू देखो, ये लोग लेक शोर पर हूँ मैं राइट नाउ, विच इज़ लाइक ये पीछे जो मतलब मेरे जो सामने, नॉट पीछे, मेरे जो बिल्कुल सामने है वो सिटी पैलेस का व्यू है। और वहाँ पर लास्ट टाइम वही जहाँ पर कंगना रनावत की शूट हो रही थी और मैं यहाँ थी उस टाइम पर। एंड दैट्स अ ब्रिज जिससे मुझे घर जाना है, वो पीछे वाला ब्रिज, नॉट दिस वन, एक और ब्रिज है उसके पीछे। सो दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ प्यारा व्यू। सो आप अगर इस व्यू के साथ अगर आप रहना चाहो तो पर्टिकुलरली आप ये जगह देख सकते हो। मैं नीचे नाम मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो इस जगह को बुक करना। पानी पता है यहाँ पे कम से कम 15 फीट गहरा है और बीच में कुछ ज़्यादा ही गहरा है। आप इनको बुक कर सकते हो kiko.com पे जाके, प्राइजेस वहीं अच्छे मिलेंगे ऐसा मुझे पता चला है। तो घर से घर की तरफ निकलते हैं। बेस्ट चीज़ मुझे यही लगी, मैंने बताया था ना पार्किंग, क्योंकि जब अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो गाड़ी की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे गवर्नमेंट पार्किंग है, बट मुझे बेस्ट चीज़ याद लगी कि सब लगेज भी तो बहुत होता है। निकलती हूँ गाड़ी साफ करके, अब दिल्ली पहुँचेंगे सीधा, नॉर्थ जयपुर दिल्ली। चलो निकलते हो या आते हो तो ये जरूर देखेगा, बट डिपेंड करता है आप कहाँ से घुस रहे हो। जाते हो जरूर दिखता है, दिल्ली की तरफ मुझको तो, आई मीन जयपुर की तरफ भी, या फिर नीचे जो स्टेट्स आ रहे हैं उनकी तरफ, मैप्स में नॉर्थ की तरफ। फाइनली खुली सड़क, मैं ऑलरेडी जयपुर की गलियों में जगदीश्वर मंदिर के सामने। आई वॉज लाइक मैंने कान पकड़ लिए थे। और अभी मेरा जो रास्ता है वो काफ़ी है, एंड मैं 6 किलोमीटर ड्राइव करने वाली हूँ क्योंकि घर पहुँचना है। वापस देख गई, लंच रुकी हूँ बिकॉज आई वॉज सो हंग्री। मैंने 2 दिन से दोपहर का खाना अवॉइड करा था, आई वॉज स्किपिंग, बट ये मुझे बहुत भूख लगी थी आज, फाइनली मैं रुक गई खाना खाने के लिए। इनके पास ट्रेडिशनल सामान है, सो ऐसे रास्ता ढाबे, मतलब ढाबा रास्ते में ही था। So this is mixed veg, this is बूंदी रायता, और सैलड मैं खा चुकी हूँ सारे के सारे, क्योंकि मैं मेरे को बहुत देर से भूख लगी थी। सो लेट्स जस्ट सी कैसा बना है। थैंक यू, कैसा है
मैं हाईवे का इसका नाम ढाबे का नीचे मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो. फूड इज़ गुड, आप लोग ट्राई कर सकते हो जो अजमेर के पास रहता है स्पेशली. मेरे लिए अजमेर बहुत पास बचा है. आई गेस 30 मिनट्स 35 मिनट्स. सो गाइस, मैं मकराना पहुंची हूँ. मकराना एक ऐसी जगह है जहाँ पे मार्बल्स जो होते हैं वो मतलब खदान कह लो या फिर कह दो कि मतलब यहाँ से मार्बल वाइट और ब्लैक बेसिकली पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसफ़र किया जाता है. मतलब लोग यहाँ से ख़रीदते हैं बेसिकली मार्बल. अगर आपको पता हो लास्ट वीडियो में मैंने उदयपुर में बताया था कि यहाँ पे नेचुरल कलर्स मिलते हैं. किसी को पता है कौन से नेचुरल कलर्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना. मैं कितना भी NH48 को अवॉइड कर दूँ बट क्या करूँ. ओ लेडीज, हाँ जी अंकल, ओके. रोड आदत से मजबूर है, NH48 पे ले ही आती है. मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं मिलकर जा दाम तड़ूका लेके जा. मैं दिल्ली कुछ लिया, मैं क्या लिया है, कह रहे मैं कुछ भी लिया हूँ बट लेकर जाना पड़ेगा. मैंने कहा यार हद बढ़ती है, मैंने कहा ठीक है फिर NH48 पर आओ, और कोई सोल्यूशन नहीं. मैं हूँ अजमेर और दिल्ली हाईवे पर. जयपुर से मेरा रास्ता नहीं कटा, मुझे लगा था कि जयपुर से रास्ता कट जाएगा. मेरे फ्रेंड्स को मैंने सॉरी बोला क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ ले रखा था, विच आई फेल्ट कि यार नहीं यार गलत है, आई हैव टू से सॉरी टू देम. सो अभी भी मेरा रास्ता अराउंड 5 घंटे का ही दिखा रहा है. अगर मुझे वेस्टर्न और ईस्टर्न वाला रास्ता वापस मिलता है तो बेटर है, बिकॉज वो रास्ता बहुत ठीक है. दिल्ली और अजमेर का ये जो हाईवे है ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है क्योंकि यहाँ पर ट्रक्स और ये सब चल रहे हैं और सड़क भी कुछ खास अच्छी नहीं है. वेल जैसा कि आप लोगों को पता अभी घर का रास्ता लेट है. निसान ने मुझे कहीं भी टिच नहीं करा. निसान में इतनी जगह घुमा चुकी हूँ, आई गेस मैं निसान में मोर देन 10 स्टेट्स कवर कर चुकी हूँ और सोलो मोर देन 10 आई गेस यस सोलो मोर देन निसान में मैं पहली लड़की हूँ ट्रैवल करने वाली जिसने निसान मतलब 10 स्टेट कवर करे हैं ऑन द रो. स्पीति और लद्दाख के अलावा मैं अकेली जा चुकी हूँ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश का कसोल, वहाँ से कोटगढ़, कोटगढ़ से बैक टू फैमिली के साथ एक जिम कॉर्बेट फंक्शन जरूर अटेंड करा था, मगर उसके अलावा अगर मैं कहूँ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से नीचे आपका पुणे, पुणे के साइड से मैं कर्नाटका, कर्नाटका से ऊपर आके मैं मुंबई, मुंबई से टच करके मैं बैक टू आई आपका राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली. तो ये तो 5 स्टेट हो चुके हैं ना, बाकी मैं बहुत सारे स्टेट्स अकेले कनेक्ट कर चुकी हूँ निसान के थ्रू. सो गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है, गाड़ी की एवरेज अच्छी है. 23,000 पे सर्विस करवाऊंगी मैं इसकी क्योंकि 300 किलोमीटर के नीचे मेरा घर बचा है. प्लस 23,000 पे सर्विस नहीं होती, 22 पे इसका ऑयल चेंज होना था बट दिल्ली का वेट कर रही थी मैं कि क्योंकि डैट सर्विस कराने जाते हैं डिटेल्स बिकॉज ही नोस मेटअप. बट स्टिल मुझे बस इसमें एक प्रॉब्लम लगती है, रात की लाइटिंग. रात की लाइटिंग इसकी लो है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे प्रोजेक्टर लाइट की नीड पड़ सकती है. बाकी मुझे इस गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इतना चलाने के बाद. इसका एक्सीडेंट होने के बाद भी इन्होंने इस गाड़ी ने मुझे डिच नहीं करा था ले में, और अभी तो ऐसा मैंने ऐसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और ना ही मैंने हवा भी एक बार डलवाई थी, हवा चेक करवाई थी तो इट वॉज ओके एवरी टाइम. तो निसान जो लेने जा रहे हैं या मुझे पूछते हैं या मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे पर्सनल DMs आते हैं, निसान इज अ गुड कार गाइस. निसान की बैकअप बहुत अच्छा है, पावर लाइक मतलब इंजन बहुत अच्छा है बेसिकली, बट इसका प्लास्टिक बहुत ख़राब है. आप देख सकते हो वो टूट जाता है बार बार, उसका साइड का हिस्सा, इसका प्लास्टिक लिटरली बहुत ख़राब है. ताकि इट्स गुड टू गो. वैसे मेरे घर का रास्ता भी 3 घंटों का है, 3 घंटे अभी भी है. सो मैं यहाँ रुकी थी, मेरी गाड़ी पार्क है वॉशरूम के लिए, भैया के पास पान ट्राई कर रही हूँ. मिक्स मिर्ची वाला नहीं. सो गाइस यहाँ पे भी फार्मर्स बैठे हुए हैं अभी भी, एंड पीछे पूरा ट्रैफिक जाम था. अगर मतलब ये घर से 2.5 घंटा दूर है, मतलब मानेसर से ये रास्ता मुश्किल से 1 घंटा. तो ये आपको देखने को मिलेगा जब आप वापस जा रहे हो
क्या मतलब जयपुर से या फिर जयपुर की तरफ जा रहे हो NH 48 पे, एंड यू वोंट बिलीव कि लुक एट दिस वन. रात को मैं इतनी टायर्ड थी कि मैंने कुछ भी नहीं समेटा, ना वीडियो एडिट करी. आई एडिटेड इन द मॉर्निंग. वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग गाइस. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन. सी यू नेक्स्ट टाइम.